हेलो एंड वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो करेंगे IPL प्लस WPL, वुमेन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग, दोनों से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, न्यूज़ है, वो सारी कवर करेंगे जो एग्जाम बोर्ड पर इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे फैक्ट भी कवर करेंगे जो जनरल नॉलेज बेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज़ यूजल, अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर मैं IPL की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि IPL ने ना ओवरटेक कर लिया जो इंग्लैंड की जो इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल लीग होती है उसमें, उसको पीछे करके सेकंड स्पॉट पे आ गए हैं जो रिचेस्ट है, ग्लोबल रिचेस्ट लीग है उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसी कोई अदर लीग नहीं है वर्ल्ड में एक्सपेक्ट फुटबॉल जो क्रिकेट की इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है या उसकी मनी में इतनी ज़्यादा वैल्यू हो। तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डिस्कस करेंगे क्या है पूरा ये सिनेरियो। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 रिचेस्ट स्पोर्ट लीग देखें तो उसमें जो फर्स्ट प्लेस पर आती है वो है नेशनल फुटबॉल लीग जो USA में होती है एनुअली, जिसकी टोटल वैल्यू है वो 16 बिलियन US डॉलर है। सेकंड प्लेस पर आती है इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो इंडिया में होती है, एनुअली होती है, उसकी जो वैल्यू है वो 10 बिलियन डॉलर प्लस है। थर्ड प्लेस पर आती है मेजर लीग बेसबॉल, ये भी USA में होती है, इसकी 10.7 बिलियन डॉलर वैल्यू है। फोर्थ प्लेस पर आती है नेशनल बास्केट एसोसिएशन जो नॉर्थ अमेरिका में होती है। फिफ्थ प्लेस पर आती है इंग्लिश प्रीमियर लीग जो इंग्लैंड में होती है, फुटबॉल लीग है। नेशनल हॉकी लीग आती है फिर सिक्स्थ पे जो नॉर्थ अमेरिका में होती है। ला ला लीग होती है जो स्पेन में फुटबॉल लीग होती है भी, और बुंदेसलीगा लीग जो जर्मनी में होती है भी फुटबॉल लीग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारी फुटबॉल और बेसबॉल और हॉकी की लीग है, बस एक ही लीग है इंडिया जो इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट से लीग है वो ग्लोबल जो रिचेस्ट लीग है उसमें सेकेंड प्लेस पर है करंटली। और क्वाइट नॉट सरप्राइजिंग अगर नेक्स्ट 2 or 3 or 4 ईयर्स में अगर ये IPL जो है फर्स्ट प्लेस पर चली जाती है, क्योंकि अभी IPL में कुल 10 टीम्स खेलती हैं, जितनी ये लीग इसमें काफ़ी टीम्स खेलती हैं, इसमें मैच भी बहुत ज़्यादा होते हैं। IPL में भी 60-70 के आसपास मैच होते हैं, तो 2 या 3 महीने चलती है। अगर इवन इन फ्यूचर अगर 1 or 2 or 3 टीम्स और कम आती हैं IPL में तो मैचेज ज़्यादा होंगे, जब मैचेज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट होगा, उसमें फिर मीडिया राइट्स भी उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे और रेवेन्यू, जैसे स्टेडियम मैच देखने आते तो वहाँ से रेवेन्यू। तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से देखें तो कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा नेक्स्ट 5 या 6 ईयर्स में IPL अगर ओवरटेक कर ले ग्लोबली फर्स्ट रैंक पे नहीं आया था। अगर हम IPL कंपैरिजन EPL से करें तो IPL की जो पर मैच की जो वैल्यू है इन रुपीज़ वो 105 करोड़ होती है, वहीं अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग के पर मैच की जो वैल्यू है इन रुपीज़ में देखें तो 85 करोड़ होती है। नाउ डिस्कस सम क्वेश्चन जो एग्जाम बोर्ड पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन विच स्टेडियम वाज द फाइनल IPL ऑफ 2023 वी प्लेड, तो IPL का 23 का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया था? ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली स्टेडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और IPL हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई IPL का जो प्ले ऑफ या फाइनल मैच वो रिजर्व डे पे गया है। रिजर्व डे मीन्स होता है जिस दिन पर्टिकुलरली जो शेड्यूल होता है मैच उस दिन नहीं हो, जो बारिश है कुछ भी इशू है जो मैच नहीं हो रहा है पर्टिकुलर डेट पे, अगर कोई नेक्स्ट डे मैच होता है रिजर्व डे होता है वो सेमीफाइनल प्लेऑफ्स और फाइनल के लिए ही रखा जाता है। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, ICC टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो, ICC ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो या इवन IPL हो, तो प्लेऑफ्स के लिए या फाइनल्स के लिए सेमीफाइनल्स के लिए ही रिजर्व डे रखा जाता है। अदरवाइज अगर लीग मैचेस होते हैं तो उनके लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता। अगर लीग मैच में बारिश आती है मैच नहीं हो पाता तो पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है, लेकिन फाइनल मैच में नॉकआउट मैच में ऐसा कोई पॉइंट का सिस्टम नहीं होता क्योंकि उसमें वहाँ पर जीतना होता है, जो टीम जीती है वो आगे जाती है और जो हारती है वो बाहर हो जाती है। ईडन गार्डन कोलकाता में है, वानखेड़े मुंबई में है, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गुजरात में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। जो डेट थी 29 मई जो रिजर्व डे डेट थी, जो एक्चुअल डेट थी शेड्यूल तो वो थी 28 मई। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वर्ल्ड का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, सेकंड जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो है मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, और थर्ड लार्जेस्ट जो है जयपुर में है जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है। विच टीम वन द IPL टाइटल 2023, तो 2023 का जो IPL टाइटल है खिताब है वो किसने जीता है? RCB मुंबई, CSK गुजरात टाइटन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CSK। CSK ने गुजरात टाइटन्स को डिफीट करके अपना 5th टाइटल जीता है, और 5th टाइटल ही मुंबई ने जीता और 55 ही CSK ने जीते हैं, तो दोनों ने इक्वली टूर्नामेंट जीते हैं 5 times। और जो कैश प्राइज होता है IPL विनिंग टीम को वो 20 करोड़ मिलता है। अगर लास्ट 6 ईयर्स के चैंपियन की बात देखें तो 2017 मुंबई इंडियंस जीते थी, उसमें जो रनर अप थे वो थे सनराइजिंग पुणे
सुपर जाइंट्स, 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स जीती, 2019 में फिर मुंबई इंडियंस जीती, 2020 में फिर मुंबई इंडियंस जीती सेकंड टाइम, 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स जीती, फिर जब नेक्स्ट ईयर दो नई टीम इंक्लूड हुई थी लखनऊ सुपर जाइंट और गुजरात टाइटंस, तो 2020 में गुजरात टाइटंस ने जीता राजस्थान रॉयल्स को हरा के फाइनल में। इस बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स फिफ्थ टाइटल लेने गए। सीएसके कैप्टन उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, रन अप कौन रहे गुजरात टाइटंस जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। और इस बार आईपीएल में एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लिया गया है बीसीसीआई ने मिलके, और टाटा ग्रुप जो है इंडिया टाटा ग्रुप एनवायरमेंट इनिशिएटिव, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जितने भी प्लेऑफ्स और फाइनल मैच में डॉट बॉल होती है, डॉट बॉल होता है जब किसी बॉल पर रन ना बने, कोई रन ना बने बल्लेबाज उसे प्ले डॉट बॉल होती है वो कहते हैं, तो पर डॉट बॉल पर 500 ट्रीज को प्लांट करने का इनिशिएटिव था, पर डॉट बॉल 500 था और जो टोटल डॉट बॉल हुई हैं क्वालिफायर वन एनेबलेटर क्वालिफायर टू और फाइनल में वो 294, इट मीन्स इंटू 500 करेंगे तो टोटल जो निकल के आता है 1,47,000 ट्रीज प्लांट करेगा बीसीसीआई और प्लस टाटा ग्रुप ऑफ इंडिया जिन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव लिया है बीसीसीआई का मिलके, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर स्पोर्ट्स का ऐसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन भी हो जाए और ऐसे प्लांटेशन है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विच एडिशन ऑफ आईपीएल वाज ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2023, तो आईपीएल कौन सा एडिशन हुआ इस बार, तो ये था 16th एडिशन था इस बार, 15th एडिशन 22 में हुआ और फर्स्ट एडिशन जो है स्टार्ट हुआ था आईपीएल का वो 2008 में 2008 से स्टार्ट हुआ था जिसका चैंपियन राजस्थान रॉयल्स था। हाउ मेनी टीम्स वर पार्टिसिपेट इन आईपीएल 2023, तो कितनी टीमें पार्टिसिपेट किया इस बार, तो टोटल 10 टीम्स थी। 2021 तक 8 टीम पार्टिसिपेट करती थी लेकिन 2022 से दो नई टीम का और लॉन्च होने के बाद टोटल 10 टीमें हो गई हैं। अब टीम्स और कैप्टन की बात करें, गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या, लखनऊ के राहुल केएल राहुल, राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, चेन्नई सुपर किंग्स के एमएस धोनी, दिल्ली कैपिटल्स के डेविड वार्नर, कोलकाता नाइट राइडर्स के नीतीश राणा, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा, पंजाब किंग्स के शिखर धवन, सनराइजर्स हैदराबाद के एडन मकरम और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के फाफ डुप्लेसी। विच कंपनी हैज़ बीन इन द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल 2023, तो आईपीएल 2023 का जो टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी रही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टाटा। टाटा ग्रुप हैज़ रिप्लेस चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चर वीवो एज अ टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 2023। 2021 तक वीवो था लेकिन 2022 से टाटा स्पॉन्सर हो गया है आईपीएल का। हु वन द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2023, तो 2023 आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे मिली है, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, तो इसका करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। तो ये है कि गुजरात जायंट के प्लेयर हैं, टोटल इन्होंने 890 रन स्कोर किए, 890, 3 सेंचुरी स्कोर की और हाईएस्ट 420 सीजन जो लगाए हैं वो शुभमन गिल ने लगाए हैं। हु वन द पर्पल कैप किसे मिली है, पर्पल कैप मिलती है हाईएस्ट विकेट टेकर को, ऑरेंज कैप मिलती है हाईएस्ट रन स्कोर को जो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में एक ईयर में करता है, तो ये मिली है मोहम्मद शमी, ये भी गुजरात जायंट्स के ही बॉलर हैं, तो पर्पल कैप मोस्ट विकेट होता है मोहम्मद शमी को मिली है गुजरात जायंट्स के। उन्होंने टोटल कितने विकेट लिए हैं, 28 विकेट लिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था एसएससी बहुत पूछता है ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। हु वन द मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड इन आईपीएल 2023, तो आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, एमएस धोनी, विराट कोहली, शुभमन गिल, राशिद खान, तो इसका भी करेक्ट आंसर शुभमन गिल है जिन्होंने ऑरेंज कैप जीती है, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उन्हें ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला है 2023 का। इन्होंने 85 फोर्स लगाए हैं और 83 सिक्सेस लगाए हैं। एग्जाम में पूछ लिया था एसएससी पूछता है कि कितने फोर लगाए हैं, लास्ट ईयर पूछा भी था ऐसा शिखर धवन के बारे में। हु गॉट द एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड इन आईपीएल 2023, तो आईपीएल 2023 में एमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड है सीजन में किसे मिला है, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शायद मानकंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स के ओपनर प्लेयर हैं, इनको 2023 का एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है। 21 साल के हैं, इन्होंने 625 रन स्कोर किए 14 मैचों में और इन्होंने फास्टेस्ट 50 भी सीजन की स्कोर की 13 बॉल्स में। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 12 बॉल में युवराज सिंह की है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किसी ने लगाए, तो युवराज सिंह लगाए जिसने युवराज सिंह ने 6 छक्के भी लगाए हैं। और इस बार आईपीएल में एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं रिंकू सिंह।
जो कोलकाता नाइट राइडर्स खेलते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, अलीगढ़ से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्लेयर ने आईपीएल 2023 में 1 ओवर में 5 छक्के लगाए हैं। तो है रिंकू सिंह। किस बॉलर पर लगाए हैं? तो यश दयाल पर, कि बॉल पर इन्होंने 5 छक्के लगाए हैं। विच टीम गॉट द फेयर प्ले अवार्ड इन 2023? तो 2023 के आईपीएल में फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? फेयर प्ले होता है मतलब जो अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलता है पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, तो ये मिला है दिल्ली कैपिटल्स को, जिसके कप्तान डेविड वार्नर थे। विच प्लेयर अनाउंस हिज रिटायरमेंट आफ्टर आईपीएल 2023? तो 2023 के बाद किस प्लेयर ने आईपीएल या क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अंबती नायडू। अगर प्लेयर विद मोस्ट आईपीएल फाइनल्स की बात करें तो सबसे फाइनल किस प्लेयर ने जीते हैं? तो रोहित शर्मा ने 6 जीते हैं, अंबती नायडू ने भी 6 जीते हैं, हार्दिक पांड्या ने 5 जीते हैं, करुण ब्राड ने 5 जीते हैं और एमएस धोनी ने भी 5 फाइनल जीते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा फाइनल जीते हैं? तो रोहित शर्मा, अंबती नायडू 6 जीते हैं, बाकी हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड और एमएस धोनी ने 5 फाइनल जीते हैं। धोनी ने और रोहित शर्मा ने 5 बार ट्रॉफी जीती है अपनी टीम के लिए। मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से धोनी खेलते हैं। विच टीम हैज़ वोन द आईपीएल टाइटल द मोस्ट टाइम? सबसे ज़्यादा बार आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों ने 5-5 टाइम्स आईपीएल ट्रॉफी जीती है। मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी है। अगर आईपीएल 2023 का इंपोर्टेंट फैक्टर रिविजन करें तो होस्ट कंट्री इंडिया एडिशन कौन था? 16वां एडिशन था। कितनी टीम? 10 टीम थी। टोटल मैच कितने में? 74 मैच। फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। रिजर्व डे पर फाइनल खेला गया। फर्स्ट टाइम हुआ है कि आईपीएल में रिजर्व डे पर कोई मतलब मैच हुआ है। चैंपियन सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, 5th टाइटल था इनका। जो प्राइज मनी होती है विनर को 20 करोड़ मिलता है। रनर अप गुजरात टाइटंस है जिन्हें 13 करोड़ कैश प्राइज मनी मिली। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिली जिन्होंने 890 रन बनाए, जीटी के लिए खेलते हैं गुजरात जायंट्स के लिए। पर्पल कैप की बात करें तो मोहम्मद शमी को मिली। जो पर्पल कैप होती है सबसे ज़्यादा विकेट के लिए, ऑरेंज कैप होती है सबसे ज़्यादा रन के लिए, 28 विकेट लिए, ये भी जीटी के लिए ही खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर शुभमन गिल, ये भी जीटी के लिए खेलते हैं। एमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जयसवाल राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में डेविन कॉनवर है, जो सीएसके के बल्लेबाज हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं नेशनल में। स्पॉन्सर की बात करें तो टाटा आईपीएल टाटा स्पॉन्सर है, लास्ट टाइम भी टाटा था, उससे पहले 2021 तक वीवो स्पॉन्सर हुआ करता था टाटा आईपीएल का। हु बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल हिस्ट्री? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन बॉलर बने हैं? राशिद खान, युजी चहल, कगिसो रबाडा या आर अश्विन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान के रॉयल के जो स्पिनर हैं, वैसे इंडिया के लिए खेलते हैं, युजवेंद्र चहल। इन्होंने पीछे छोड़ दिया है ड्यूएन ब्रावो जो कि चेन्नई के लिए खेलते थे। बिकम द लीडिंग विकेट टेकर इन द आईपीएल हिस्ट्री। युजवेंद्र चहल के टोटल 184 विकेट हो गए हैं, 184 विकेट हो गए हैं। अगर डेविन ब्रावो की बात करें तो उनके 183 थे, 183 टोटल विकेट थे। उन्होंने संन्यास ले लिया, वो कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। पीयूष चावला की बात करें, थर्ड नंबर पर आते हैं, ये मुंबई इंडियंस के लिए खेले इस बार, इन्होंने 174 विकेट लिए हैं टोटल। 4th प्लेस पर मिथुन मिश्रा आते हैं, दिल्ली लखनऊ जायंट्स के लिए खेले इस बार, तो इनके जो टोटल विकेट हैं 172 हैं। उसके बाद नंबर आता है रविचंद्र अश्विन का, जिनके 171 विकेट हैं आईपीएल की हिस्ट्री में। हुज़ क्रिएट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री में सबसे तेज 50 करने, सबसे कम बॉल पे 50 लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जयसवाल, जिन्होंने 13 बॉल पे केकेआर के अगेंस्ट ये रन स्कोर किए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल का नाम था, जिन्होंने फास्टेस्ट 50 स्कोर की थी, बट केएल राहुल ने 14 बॉल्स खेली थी, इन्होंने 13 बॉल्स में किए। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूँ इंटरनेशनल लेवल की, तो वो 12 बॉल में 50 रन युवराज सिंह के, जिन्होंने 6 छक्के लगाए हुए हैं। हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच द 6000 रन मार्क इन आईपीएल हिस्ट्री? तो आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन पूर्ण करने वाले कौन बल्लेबाज बने हैं, मतलब सबसे कम मैचों में? तो ये बने हैं डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन भी हैं। इन्होंने सबसे कम मैचों में 6000 रन पूरे किए हैं। अगर सबसे रन की बात करूँ तो 7000+ रन है विराट कोहली के, ये रिकॉर्ड है ये भी। अगर थर्ड प्लेयर की बात करूँ तो ये विराट कोहली और फिर आरसीबी के शिखर धवन हैं, जिन्होंने कम कम मैचेस लिए हैं। हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट इन आईपीएल? आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन बने हैं, मतलब सबसे कम मैच में 100 विकेट लेने वाले? तो ये बने हैं कगिसो रबाडा, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, आईपीएल में किंग्स पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। इन्होंने 64th आईपीएल मैच में ही 100 विकेट ले ली, 64 मैचों में ही। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था लसिथ मलिंगा का नाम था, जो श्रीलंका के प्लेयर थे और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे,
उन्होंने 70 मैचेस में 100 विकेट लिए थे। और आप कभी सुरा पटा जिन्होंने 64 मैचों में 100 विकेट ले लिए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, पंजाब किंग्स से ले खेलते हैं आईपीएल में। विकेट की रिकॉर्ड की बात करें, क्योंकि सुरा पटा ने 64 में किए थे, लसित मलिंगा ने 70 में किए थे, भुवनेश्वर कुमार ने 81 में किए थे, राशिद खान ने 83 में किए थे, अमित मिश्रा ने 83 में किए थे, अश्विन हरन ने भी 83 में किए थे, और जसप्रीत चहल ने भी 84 में किए थे। तो ये आईपीएल रिकॉर्ड से पूछ सकते हैं एग्जाम में। हु बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन, तो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था इस बार? तो ये थे इंग्लैंड के बॉलर ऑलराउंडर हैं सैम करन, जो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं और इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने टोटल जो प्राइस मिला था, इनको मिला था 18.5 करोड़। और इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा था? तो जो प्रीवियस सबसे एक्सपेंसिव थे वो क्रिस मॉरिस थे साउथ अफ्रीका के, उनको 17 कुछ करोड़ में खरीदा था दिल्ली कैपिटल्स ने। ये आईपीएल के कैप्टन हैं, आप वीडियो पोस्ट करके रिवाइज कर सकते हैं, वैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें, 2022 का रिवीजन करें, जो एग्जाम बोर्ड इंपॉर्टेंट रहता है, होस्ट इंडिया में हुआ था, एडिशन 15 था, 15वां एडिशन था, 10 टीमें खेली थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 2022 में जब 10 टीम खेली थी, उससे पहले 8 टीमें थी। टोटल मैच 74 हुए थे। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था गुजरात में, चैंपियन गुजरात बना था उस टाइम। फर्स्ट टाइटल था उनका, 20 करोड़ प्राइस था। रनर अप जो था राजस्थान रॉयल्स था, उनको 12.5 करोड़ कैश प्राइज मिला था। ऑरेंज कैप मिली थी जोस बटलर को, जो इंग्लैंड के प्लेयर है और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। इन्होंने 863 रन स्कोर किए थे। पर्पल कैप मिली थी हाईएस्ट विकेट टेकर जो थे यजुवेंद्र चहल थे लास्ट ईयर, उन्होंने 27 विकेट लिए थे, राजस्थान के बॉलर हैं। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जोस बटलर को मिला था, राजस्थान के प्लेयर थे। एमर्जिंग प्लेयर लास्ट ईयर जो मिला था उमरान मलिक को मिला था, जो एसआरएस के लिए खेलते हैं। और जो स्पॉन्सरशिप थी वो टाटा आईपीएल के पास ही थी लास्ट ईयर भी। अगर आईपीएल 2022 को इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करें, तो फर्स्ट मैच जो था वो 26 मार्च को खेला गया था सीएसके और केकेआर के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। फाइनल मैच 29 मई को हुआ था 22 को, गुजरात और राजस्थान के बीच। टोटल 74 मैच, सबसे ज्यादा छक्के जो लगाए थे सिक्स लगाए थे, जोस बटलर लगाए थे 45। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। हु बिकम द फर्स्ट कैप्टन टू प्ले 100 मैचेस इन आईपीएल, तो बने थे महेंद्र सिंह धोनी। हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 360 इन आईपीएल, आईपीएल में 300 लगाने वाले पहले और एक बल्लेबाज कौन है, मात्र बल्लेबाज, वो हैं क्रिस गेल। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू विन 100 मैचेस इन आईपीएल, तो वह मुंबई इंडियंस सबसे पहले टीम ऐसी बनी जिन्होंने 100 मैच जीता आईपीएल में अब तक। आईपीएल हिस्ट्री की बात करें, तो फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था, जो चैंपियन था फर्स्ट टाइम जो थे वो राजस्थान रॉयल्स थे, और उस टाइम पर रनर अप थे सीएसके थे, चेन्नई सुपर किंग्स। मोस्ट रन इन आईपीएल हिस्ट्री विराट कोहली ने बनाए हैं, 7000+ रन बनाए हैं, और हाईएस्ट विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिए हैं, जिन्होंने डेविन ब्रावो को पीछे छोड़ा है इसी साल। WPL की बात करें, वुमेन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन हुआ था, एग्जाम बोर्ड वैसे इंपॉर्टेंट रहता है, रिविजन कर लेते हैं। कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ, फर्स्ट एडिशन हुआ, टोटल 5 टीम थी, मैचेस 22 हुए। फाइनल मैच हुआ ब्रबोन क्रिकेट स्टेडियम, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। चैंपियन मुंबई इंडियंस फर्स्ट टाइटल जीता, और टोटल प्राइस था 6 करोड़। रनअप जो रहा दिल्ली कैपिटल्स रहा, 3 करोड़ कैश प्राइस था। ऑरेंज कैप जो मिली मैग लैनिंग को मिली, जो डीसी की कैप्टन थी दिल्ली कैपिटल्स की। पर्पल कैप मिली हेलेन मैथ्यूज को, जो मुंबई इंडियंस की ऑलराउंडर थी। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हेलेन मैथ्यूज, ये भी मुंबई इंडियंस की है। एमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड था हिस्ट्री का भाटिया को मिला, जो कि मुंबई इंडियंस की ही प्लेयर है। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास ही थी दोनों की, वुमेन की भी और मैन की भी। फाइनल मैच जो खेला प्लेयर ऑफ द मैच था वो नेट सीवर ब्रंट थी, जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं, वैसे इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो कुछ अब क्रिकेट से रिलेटेड चुका अपडेट है जो रिसेंटली हुआ है, तो जो BCCI ने उन्होंने एडिडास के साथ एक डील साइन की है। अब जो स्पॉन्सर है, जो ड्रेस जो किट आती है इनकी टीम की, वो एडिडास का है, लोगों के साथ आएगी। उससे पहले किलर जीन्स था स्पॉन्सर किट के लिए, लेकिन अब एडिडास ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो एडिडास जो है एक जर्मन स्पोर्ट्स कंपनी है मैन्युफैक्चर, जो डिज़ाइन करती है शूज अपैरल और मटेरियल। इनका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर है जॉर्डन ओलग में, जो जर्मनी में है। ये न्यू ड्रेस है इंडिया की जो एडिडास ने लॉन्च की है। एडिडास रिप्लेस किलर जींस एज टीम इंडिया न्यू किट स्पॉन्सर फॉर लॉन्ग टाइम 5 ईयर। 5 साल की डील हुई है और $350 मिलियन की डील हुई है। पर मैच की बात करूँ तो 75+ लाख+ पर मैच जो है एडिडास पे करेगा BCCI को। $350 बिलियन की डील हुई है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पर मैच 65 लाख रुपीज़ एडिडास पे करेगा BCCI को। लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चर बन गया है एडिडास। BCCI की बात करें तो BCCI की फुलफॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1928 को हुआ था।
और ये इंडिया में गवर्निंग बॉडी है किसकी, वुमेन और मैन और वुमेन की जो क्रिकेट होती है उन दोनों की गवर्निंग बॉडी एक है बीसीसीआई। ग्राउंड जो ग्राउंड गोविंद थे वो पहले प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट में जो चेयरमैन है वो रोजर बिन्नी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सौरव गांगुली को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। विच टीम हैज़ नॉट विन ए सिंगल आईपीएल टाइटल, आरसीबी, चेन्नई, सॉरी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करें जरूर आंसर का, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर फ्यूचर अपडेट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।